हाय गाइस, वेलकम बैक टू दीपक जैसो ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, और प्यार देते रहना क्योंकि आप लोग का प्यार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग ना बहुत मुझे मानते भी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग प्यार देते रहेगा। और जो लोग हमारे इस नए चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो देखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बुआ के साथ और छोटी बुआ के साथ कि आंटी ने क्या क्या गिफ्ट दिया है। तो गाइस जुड़ेगा ब्लॉग के अंत तक, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पूनम दीदी भी इस समय आ चुकी हैं, देखिए उधर बैठी हुई हैं, इधर देखिए इधर आंटी उधर बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। अब इधर से कैमरा लेके चलते हैं हम लोग के सामने। ये है पूजा, हमारी इस बुआ की बेटी। कैसी हो? हाय गाइस, क्या मेरे चैनल को हाय कर दिए। हाय, देखिए सब लोग हाय कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि सब लोग इतने बैठे हुए हैं। आज लोग इन्होंने गिफ्ट पाया हुआ है, हमारी आंटी ने सबको गिफ्ट दिया हुआ है। अब क्या क्या गिफ्ट दिया है आप लोग को बातें हम कराते हैं बुआ से, इस बुआ से भी और इस बुआ से भी क्या क्या गिफ्ट पाई हुई है। सब लोग बैठे हुए हैं, लेके देख सकते हैं आप लोग, लेकिन हम बात कराएंगे। ये प्यारा सा गिफ्ट आपको भी दिए हैं? अरे बुआ खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, सबका खींचेंगे। अब बहुत एक्साइटेड है गिफ्ट पा के एकदम। आप क्या क्या पाई है? ये साड़ी पाए हैं, दो लेगिंग्स पाए हैं पहनने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कुर्ती इलाहाबाद में लाएंगी। अच्छा, इलाहाबाद से लाएंगी? आँख मार रही हो, ऐसा लग रहा है कि छुपा रही हो कुछ। और ऐसे की हो तो हम सोचे कि बाद में मिलेगा या फिर छुपा रही है कुछ। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, यहाँ पे 500 का मिलता है तो वहाँ पे खुश के कम दाम में रेंज में मिलता है। तो ये सब बड़ी भाग की बात है, लोग मायके में आए, मायके से गिफ्ट मिले। बहुत खुश नसीब वाले होते हैं कि मायके से गिफ्ट उनको मिला जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर से मायके का ही कितना बड़ा कुछ मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। तो ये हमारी आंटी ने दिया है, तो आंटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ खोल, आप कैसे बोलती है, एकदम देहाती वाला भाषा बोलती है। खोल तो जानते हो, बहन बेटी को देने से अगर सर लोग कुछ ना अगर इतना दान देते हैं ना तो इतना बढ़ी बढ़ी होता है, वो भी सच्चे दिल से। अगर से मन में कपट रहेगा, कपट मन से करेंगे, अगर इतना दान देंगे तो इतना लॉस होता है। सही बात है, इतना समझ लो, दान करने से बड़ी बरकत होती है। और गोल्डन कलर का ये ना लेगिंग्स पहनी थी और अंजू बुआ का बोली चूहा काट दिया था, अंजू बुआ का चूहा काट दिया था। बोल रही है कि अरे कहाँ पहनी रही है? दिल्ली दिल्ली। एक पैर तुम डाल लेना, एक पैर पिंकी डाल के दोनों लोग दिल्ली चले गए। तो कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि एक भौजाई के हाथ के पाके गिफ्ट। पहली बार मतलब मेरी छोटी भौजाई ने हमको गिफ्ट दिया। अच्छा, ऐसे बहुत खुश नसीब होते कि छोटी भौजाई अपने मतलब बड़ी ननद को गिफ्ट करे। बहुत अच्छा, मतलब दिल में ऐसा कोई फीलिंग तो नहीं है ना कि हाँ? नहीं है, ऐसा हम कुछ रखबे नहीं करते हैं। कुछ नहीं, पहले गिफ्ट बहुत खुश रहो। तो गिफ्ट में आप जैसे जो पाई हो क्या मिला हुआ है? साड़ी मिला, दिखाना चाहेंगे आप? तो गाइस ये देखिए, साड़ी के साथ पूरा ये मेकअप का सामान, बिंदी है, सिंदूर है, और जो भी इसके अंदर भी सामान होगा पूरा ये मेकअप के साथ ये हुआ है। बुआ को भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुश है आप। अब कितने साल बाद आप आई हो मायके? 3 साल बाद आई हो आप जी। कई शादियां आपने अटेंड नहीं कर पाए ना? 2 शादियां अटेंड नहीं कर पाई हमारी बुआ, सोचिए। बाकी आज इनको ये गिफ्ट मिल गया है, बहुत अच्छा लगा है बुआ को। अरे मकर संक्रांति का गिफ्ट इनको मिला हुआ है, क्योंकि बुआ मुंबई रहती है तो मुंबई कोई खिचड़ी लेके जाता नहीं है। तो आज इनकी ये हमारी आंटी ने अपनी बड़ी ननद को गिफ्ट किया है ये साड़ी। तो गाइज आप लोग बताइए कैसा लगा ये हमारे बुआ का गिफ्ट जो हमारी आंटी ने दिया है। और बुआ भी बहुत ज़्यादा खुश है ये गिफ्ट पाके। बाकी इधर बातें साथे चल रही है आपस में। हमको नाखून पॉलिश दी है, नाखून पॉलिश मतलब दी है, मतलब लगाने के लिए 2-4 दी है। बुआ बोले कि कहाँ पाई इतना नेल पेंट, बोले छोटी वाली भौजी दी है नेल पेंट लगाने के लिए। सब लोग बैठे रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं, पैरों में लगा ले। मेरा तबीयत नहीं,
ये दो माय भी लगा लो, अभी भी लगाएंगे। हाँ बिल्कुल लगाएंगे, इनको तो बहुत शौक है। कलर कलर का लगाएंगे, ब्लू पे रेड लगाएंगे। अब मैं ब्लू पे रेड लगाऊंगी। चलिए गाइस, ये नेल पेंट लगाती है बाकी। तो सब लोग देखिए फोटोशूट में लग गए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। क्या चीज हुआ, क्या बोली आपने? उससे मैं चाचा की बिंटी हो गई। देखिए कैसे लग रही है। तो मम्मी क्या बोली बुआ आपके, कुछ बोल रही थी आप? इसको रख दो। एक जोक है, कोई बोला कि कैमरा निकालो, कैमरा निकालो, फोटो निकालो, फोटो निकालते निकालते वो खड्डे में गिर गया। अच्छा देखा आपने, बुआ गिफ्ट वगैरह मिल गया है। तो चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सुबह, क्योंकि रात का समय काफी हो गया है और बज रहा है। इतना कितना टाइमिंग देख सकते हैं, 10:30। तो सब लोग को जाना भी है, सोना धोना है। पूजा घर से खाली होके आई थी, इधर भौजी से लपट गई है। क्या बात करी पूजा? बच्चे से खेलने के लिए आई हूँ मैं। बच्चे से लपट कैसा है, दवा वो पिया? दवा पी लिया? कोल्ड हो गया बच्ची को। और भाई साहब इधर आ गए हैं। गाइस आप लोग कहते थे भैया का आप लोग ब्लॉग नहीं लाते हो, तो आप लोग देखिए हमारे भाई साहब है, बड़े भैया हैं, और ये बेटी के लिए पैंपर्स लाए हुए हैं पहनने के लिए। ये पहनो 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 पहनो, सोना पहना दो, पहना दो। और कार्तिक बेटा मेरा सो गया इधर, पैंपर्स पहना है। और सोना पैंपर्स पहन रही है। क्या पूजा कैसा लग रहा है यहाँ पे चोरी में आके आप लोग को? बोरिंग लग रहा है। बोरिंग सही में? मुंबई अच्छा लगता है? कोई है नहीं यहाँ पे मेरी बात तो। क्या है, कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या हूँ? सब बिजी है। सब बिजी, हाँ सब काम पे रहते हैं ना, सब लोग काम वाले हैं। तो मतलब एकदम बोरिंग लग रहा है। मीडियम मीडियम पहले बोरिंग फिर मीडियम, और सोना पैंपर्स पहन के एकदम रेडी हो गई है। तो बाबू कैसा तुम्हारा आँख, बिल्ली बिल्ली आ रहा है, खांसी भी आ रहा है इसको, इसको दवा का दिस फिर से दवा पिलाई। अच्छा चलिए गाइस जुड़े रहो ब्लॉग में आप लोग, और चलते देखते क्या। हाँ खाना वाना खा लिया हमने। क्या बाबू, क्या सोना, सोनू? The next day. So guys, सुबह का टाइम हो गया है और दोपहर भी हो चुका है, क्योंकि सुबह हम चले गए थे ड्यूटी तो आ नहीं पाए। और जब आए ड्यूटी से तो यह देख रहे हैं भाभी और कोमल साथ में मिलकर कपड़े फोल्ड कर रही हैं। तो कपड़े फोल्ड हो रहा है इधर पे, कितना कपड़ा फैला हुआ इधर। मम्मी के उधर खा, मम्मी खाना खा चुकी क्या? चलिए मम्मी खाना ना खा चुकी, अभी स्कूल से आई है। और इतना कपड़ा, इतना कपड़ा, हम सब घर वालों का। और फैमिली बहुत लंबी है, इधर पूनम दीदी भी हैं और विनय भाई का। क्या खा रहे हो यार? मछली। अरे सुबह से मछली खा लेते हो? सुबह रहे, दोपहर के 2 बज रहे हैं। वही 2 बज गया तो मैंने टाइम तो हो गया सुबह का। दिखाया करो भाई ब्लॉग में, सब लोग बोलते हैं पूनम दीदी अब काम नहीं करती है। काम करती है गाइस, ऐसी बात नहीं है, बाकी मेरा काम केवल बच्चा संभालना है बस। और सोना उधर खेल रही है अकेले। और कार्तिक आज स्कूल के थे क्या? मोबाइल मत चलाया करो स्कूल से आते ही, खाना पीना खाया? पूनम दीदी काम नहीं करती है, और पूनम दीदी जल्दी कुछ खाते हुए नहीं देखते हैं लोग, तो ये लोग बोलते नहीं है कि पूनम दीदी आप कुछ खाती नहीं है। बहुत खाती है गाइस, बहुत खाती है। और ये सुबह से, ये भी जब से सुबह से उठे तब से खा ही रहे मछली। हो गया 10 मच्छी। 10 मच्छी? 10 मच्छी खा लिया? 10 मच्छी खा चुके। कितना मच्छी विनय भाई खाते हैं। और गाइस देखा आपने, सब लोग काम कर रहे हैं, बाकी बुआ लोग को गिफ्ट वगैरह मिला था, बहुत अच्छा लगा हमको भी। तो अपना वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे नए वीडियो साथ। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा करते हैं, लव यू फैमिली।